नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट। T20 विश्व कप से हारकर टीम इंडिया बाहर हो चुकी है और उसके निराशाजनक प्रदर्शन की काफी आलोचना हो रही है, लेकिन बात कप्तानी की भी लगातार चल रही है, क्योंकि विराट कोहली के बाद किसको कप्तानी सौंपी जाए इसको लेकर लगातार बातें चल रही थी, लगातार कयास लगाए जा रहे थे। और कयास में एक नाम था KL राहुल का भी, कि KL राहुल को T20 विश्व कप के बाद टीम इंडिया की कमान सौंपी जाएगी। हर किसी के जहन में ये बात थी, क्योंकि KL राहुल नौजवान खिलाड़ी हैं और टीम इंडिया के साथ लंबे वक्त तक रह सकते हैं। IPL में भी उन्होंने पंजाब की कप्तानी की और लगातार कप्तानी को लेकर बातें चल रही थी। लेकिन अब BCCI ने रोहित शर्मा का नाम अनाउंस कर दिया है। रोहित शर्मा लिमिटेड फॉर्मेट के कप्तान होंगे और KL राहुल को उप कप्तानी दी गई है, जिसके बाद अब सोशल मीडिया पर ये लगातार बातें चल रही हैं कि क्या अब IPL में भी KL राहुल कप्तान नहीं होंगे। ये एक बड़ा सवाल अब सोशल मीडिया पर तैरने लगा है और लोग इस सवाल को उठाने लगे हैं KL राहुल को लेकर, और लोग कह रहे हैं कि राहुल तेरा ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस पर लेकर हम तमाम चर्चा करेंगे और मेरे साथ स्मृति मौजूद है। स्मृति से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब क्या पॉसिबिलिटीज हैं KL राहुल की कप्तानी को लेकर। स्मृति, जिस तरह की बातें लगातार चल रही थी, अब क्या लगता है? मुझे लगता है कि रोहित शर्मा को कप्तानी देने का डिसीजन BCCI का बिल्कुल अच्छा डिसीजन था, बिल्कुल सही डिसीजन था, क्योंकि रोहित शर्मा काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है। लेकिन अब KL राहुल के कप्तानी के ऊपर क्वेश्चन उठ गए हैं कि वो IPL में कप्तानी कर सकते हैं या नहीं। लेकिन मुझे लगता है जरूर करेंगे KL राहुल। BCCI ने भले ही एक हिंट दिया हो, लेकिन KL राहुल का डिमांड लखनऊ, जो दो न्यू टीमें आ रही है अभिषेक, लखनऊ और अहमदाबाद की टीम, मुझे लगता है लखनऊ की टीम का कप्तानी कर सकते हैं KL राहुल। और RCB से भी चूंकि विराट कोहली ने कप्तानी से रेजिग्नेशन दे दिया है, तो RCB के लिए भी विराट कोहली, RCB का भी नजर ये KL राहुल के ऊपर। दरअसल स्मृति, ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि सभी को उम्मीद थी कि KL राहुल ने, क्योंकि अच्छा प्रदर्शन किया है, वो भविष्य के लिए टीम इंडिया देख रही है, अगर 4-5 साल के लिए देख रही है तो KL राहुल अच्छा ऑप्शन थे। बहुत बड़ा मेगा ऑप्शन होने वाला है अभिषेक, और ये काफी सालों के लिए लेके चले जाएंगे, मतलब टीम इंडिया टीम मैनेजमेंट काफी सालों के लिए प्लेयर्स को देख रही है। तो KL राहुल एक बहुत ही मतलब बेहतर खिलाड़ी है, लेकिन अब सवाल लोगों का यही है ना कि जब टीम इंडिया में कप्तानी नहीं दी KL राहुल को, तो क्या अब IPL में भी राहुल कप्तान नहीं बनेंगे? सवाल यही है। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा नहीं होगा कि IPL में कप्तानी नहीं मिल सकता KL राहुल को, जरूर मिलेगी। मुझे लगता है लखनऊ है, सारे टीम जितने भी टीम्स हैं सबका नजर KL राहुल के ऊपर है, क्योंकि बहुत ही धाकड़ प्लेयर है, उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। तो मुझे लगता है RCB की तो नजर है ही KL राहुल पे, साथ में लखनऊ की जो नई टीम है उसकी भी नजर है KL राहुल पे। देखिए बिल्कुल, KL राहुल ऐसी बात नहीं है, KL राहुल कप्तानी के रेस में अगर IPL की बात करें तो कई टीमों की नजर KL राहुल के ऊपर है, लेकिन सवाल लोगों का जो है वो वाजिब है। KL राहुल की बात लगातार चल रही थी, लेकिन अब उन्हें उपकप्तान बनाया गया है, और उपकप्तान बनाने के जो पीछे की मंशा है BCCI की, वो यही है कि KL राहुल कुछ सालों तक रोहित शर्मा के साथ कुछ सीखें, कप्तानी के नुक्ते सीखें, और उपकप्तान KL राहुल ही रहेंगे, और जब राहुल रोहित जिस मैच में नहीं खेलेंगे उस मैच में कप्तानी KL राहुल ही करेंगे, ये भी बात सच है। तो KL राहुल को सीखें, और जब रोहित शर्मा रिटायर हो जाएं तो फिर उसके बाद में KL राहुल टीम की जिम्मेदारी संभालें। तो ये बात है, और सोशल मीडिया पर जो लगातार बातें चल रही हैं, अभिषेक मुझे लगता है कि रोहित शर्मा अभी कप्तानी करेंगे और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है उनका, उनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है, वो काफी अच्छे से कैप्टनसी हैंडल कर सकते हैं। और KL राहुल की बात रही तो शायद वो रोहित शर्मा के साथ रहते रहते और भी अच्छे बेटर हो जाएंगे, बिल्कुल अच्छे और सीख मिलेगी उनको। तो मुझे लगता है कि KL राहुल भी IPL का जो बड़ा क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये जायज नहीं, IPL में वो जरूर कप्तान बनेंगे। वैसे KL राहुल को कप्तानी मिलेगी ये बात सही है, क्योंकि कई टीमों की उन पर नज़र है, और टीम इंडिया में भी वो रोहित के बाद उपकप्तान है और रोहित के बाद कप्तानी उनको मिलेगी। वैसे इस खबर पर आपका क्या कहना है? क्या रोहित की जगह KL राहुल को कप्तानी मिलनी चाहिए थी, या फिर BCCI ने रोहित को कप्तान बनाकर बेहतर फैसला लिया है? आपका इस खबर पर जो भी कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि जब भी हम आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग खबर लेकर आएं तो उसकी जानकारी आपको मिल जाए।